ॐ शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम चक्की चलती देख के मेरे नैनन आया रोए दुई पट भीतर आए के साबुत गया न कोए। ये जगत प्रसिद्ध साखी सद्गुरु कबीर की है। चक्की चलती देख के मेरे नैनन आया रोए द्विपट भीतर आई के साबुत गया न कोय। चक्की चलती देख करके मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। दो पाटों के बीच में आ करके बिना पिसे कोई गया नहीं। ये दो पाट क्या है? संख्यावाचक शब्द साहब कई जगह कहते हैं, वेद में भी ऐसे वचन आते हैं, वैदिक साहित्य में भी आते हैं, और वहाँ का अर्थ लोग खींचतान करके कुछ भी करते हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं रहता है कि यही कहा गया है दो पाट या और। लेकिन प्रकरण के अनुसार समझने वाले के लिए अर्थ ओझल नहीं है, साफ है।
उसका महर भी होना चाहिए। वह दो पार्ट जिसमें पिस करके जीव दुखी होता है, राग और द्वेष, ये दो पार्ट है जिसमें पिस करके जीव दुखी होता है। लेकिन द्रव्य और गति विराट रूप में व्याप्त है और इसकी चक्की रात दिन चलती है। द्रव्य और गति की, जड़ द्रव्य का स्वभाव है गतिशील रहना और गति जड़ द्रव्य में ही होती है। द्रव्य और गति ये निरंतर सर्वत्र व्याप्त है। द्रव्य में गति स्वतः अनादि निहित है, कोई उसमें डालता नहीं। भ्रम है कि जड़ द्रव्य तो जड़ है, उनमें गति कैसे होगी? गति कोई चेतन डालेगा। मोटा मोटी रूप में ये बात लोगों को जच जाती है कि सच कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हवा चलती है, पूर्वी हवा चल रही है, तो बंगाल के तरफ से जा करके कोई ईश्वर ढकेलता है? या और भी पूरब जा करके और पश्चिमी हवा चलती है तो ईश्वर पश्चिम चला जाता होगा, वहाँ से ढकेलता होगा, क्योंकि हवा तो जड़ है, वो कैसे चलेगी? ये पानी बह रहा है नदियों में तो जड़ है, तो ईश्वर ढकेलता होगा। लोग दैववाद को अपने दिमाग पर इतना छा लेते हैं कि तथ्य बोध उनके हृदय से अलग हो जाता है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है जो अविद्या में रत हैं वे अंधकार में डूबते हैं, और जो विद्या में रत हैं वे उससे अधिक घोर अंधकार में डूबते हैं। दुरुपयोग, ईश्वर का दुरुपयोग द्रव्य में गति कोई डालता नहीं, द्रव्य स्वतः गतिमान है, ये तो सहज समझा जा सकता है। विज्ञान का काखा पढ़ने वाला इसको जानता है, सामान्य बुद्धि वाला भी जोर दे तो समझ सकता है। द्रव्य में गति स्वतः निहित है, कंकड़ बनता है, पत्थर बनता है, पेड़ पौधे बनते हैं, पर्वत बनते हैं, जो पर्वत हैं धीरे धीरे बनते हैं। एक जगह मैं एकांत निवास कर रहा था, ये 57 की बात होगी, तो वहाँ जंगल पर्वत बहुत रहे हैं। सुबह निकल जाऊँ किसी छोटे पर्वत की चोटी पर बैठ जाऊँ, खेतों में पर्वत रहे हैं छोटे छोटे, 4 फीट के ऊँचे, 10 फीट के ऊँचे, 20 फीट के ऊँचे। एक खेत में छोटा सा रहा है उस पर बैठ जाऊँ। एक दिन हल वाहक आ गया, हल चलाने लगा, कहा महाराज एक छोटे उठते हुए पर्वत को दिखाया वहीं से कि महाराज मेरे बचपन में ये बहुत नीचे था, अब तक ये उठ गया। तो पर्वत बनते हैं, बढ़ते हैं, कंकड़ छोटे छोटे पहले होते हैं फिर बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ हो जाते हैं। सर्वत्र गति है, गति में ही निर्माण और विनाश फलते हैं। एक बारगी कहीं निर्माण नहीं होता, न एक बारगी विनाश होता है। निर्माण विनाश निरंतर चलता है, क्योंकि द्रव्य में गति स्वतः अनादि निहित है, स्वभाव सिद्ध है।
अगर कहो कि बिना दूसरे के द्वारा गति डाले गति हो ही नहीं सकती है, तो ईश्वर में कौन गति डालता है जिससे वो गतिशील होता है? तो ईश्वर स्वतः गतिशील है। तो ईश्वर तो एक अंधकार की बात कह रहे हो, कल्पना की बात। द्रव्य सामने है और उसकी गति को उड़ा रहे हो, इतना ईश्वर कह करके कहीं बोध होगा? ईश्वर हमारा पाप काट देता है, दिन भर दुराचार करें शाम को नाम ले लें ईश्वर पाप काट देगा, ये ईश्वर का दुरुपयोग हुआ। ईश्वर और देव खड़ा करके आदमी अपने ज्ञान को खराब कर दिया। असली ईश्वर के तत्व को समझो, असली ईश्वर आदि दैविक क्षेत्र में उसके नियम हैं। आदि दैविक क्षेत्र का मतलब प्राकृतिक क्षेत्र, उसके नियम हैं, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु वितत फैले, नियम के तंतु सर्वत्र फैले, हवा का चलना, बादल का बनना, वर्षा का होना, वनस्पतियों का उगना, कंकर पत्थर पेड़ पौधे बनना, झरने का चलना, सर्वत्र गतिशीलता, ये ऋत के द्वारा होते हैं। आदि दैविक क्षेत्र में ऋत ईश्वर है। ईश्वर कण कण में, क्योंकि ऋत कण कण में, नियम कण कण में। आदि भौतिक क्षेत्र में ईश्वर प्राणियों का समूह है, भूत नाम प्राणी। देखो यहाँ परमात्मा बैठा है विराट स्वरूप। और आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर आत्मा, स्वयं अपने आप, तीन क्षेत्र हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र है, देव कहते हैं जड़ प्रकृति को। इसीलिए जड़ प्रकृति से जब हानि होती है तो लोग कहते हैं दैवी प्रकोप हुआ, भूचाल, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, तो ये जड़ पदार्थों से कष्ट हुआ, इसलिए दैवी प्रकोप इसको कहा जाता है। ये आदि दैविक क्षेत्र है। आदि कहते हैं आधार को, देव जिसका आधार हो आदि दैविक क्षेत्र है, यानी जड़ प्रकृति जिसका आधार हो आदि दैविक क्षेत्र है। और उसका ईश्वर कौन है? नियम, ऋत। ऋतस्य तंतुम विततम, वेद में ऋत का बहुत महत्व है। एक सूक्त में तो कई बार ऋत आया है, ये मैंने वेद क्या कहते में लिखा है। ऋत नियम, प्रकृति के नियम, वो वहाँ के ईश्वर है। और आदि भौतिक क्षेत्र भूत नाम प्राणी, प्राणी जिसका आधार हो वो आदि भौतिक क्षेत्र है। प्राणियों का समूह ये आदि भौतिक ईश्वर है, पंच परमेश्वर। जब पांच इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर आ गया, विराट समष्टि ईश्वर है। व्यष्टि कहते हैं अलग अलग व्यक्ति को, समष्टि कहते हैं सबकी सामूहिकता को। व्यष्टि जीव है, समष्टि परमात्मा है, ऐसा वेदांति भी कहते हैं। देखो यहाँ इस सभा में समष्टि है, बहुत से लोगों का समूह है, ये आदिभौतिक ईश्वर है। समाज को ईश्वर समझो, उसके सामने नतमस्तक हो, उसकी सेवा करो, उसकी क्षति न करो। और आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है, आध्यात्मिक आत्मा संबंधी। अधि आधार, आत्मा जिसका आधार है,
वह मन इंद्रिय अंतःकरण शरीर है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा ईश्वर है, आत्मा रूपी ईश्वर उपासनी है, आज दैविक ईश्वर पूजनी है और आदि दैविक ईश्वर मननी चिंतनी है। इस पर ध्यान दो, आज दैविक ईश्वर चिंतनी है, चिंतन करने योग्य, मनन करने योग्य, जिससे असली बोध हो, भटक न जाओ। प्रेत रात में आया बिल्ली बनकर, फिर हाथी बन गया, फिर घोड़ा बन के भाग गया, बेकार की बात। बिल्ली बनने में समय लगता है, बिल्ली नर्मदा के संयोग से बिल्ली को गर्भ होता है, तो बहुत समय के बाद उससे बच्चा पैदा होता है। बच्चा बड़ा होता है तो बिल्ली का रूप आता है, झट से कैसे कोई बिल्ली बन जाएगा प्रेत, और बिल्ली हाथी कैसे बन जाएगा, घोड़ा कैसे बन जाएगा, ये गप। जड़ चेतन का निर्णय होने से भ्रांति नहीं होगी। पानी बरसता है, कौन बरसाता है? कोई चेतन ईश्वर नहीं बरसाता है। चेतन ईश्वर बरसा है तो व्यवस्थित बरसा है, वो खेतों में बरसाएगा, सड़कों पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर फिर कीचड़ हो जाता है। धान के खेत में ज़्यादा बरसाएगा, मक्का और बाजरा के खेत में कम बरसाएगा, उसमें पानी कम लगता है। और समय समय से बरसाएगा, बाढ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानकार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं तरह बरसता रहता है, जहाँ जरूरत नहीं बरसता है संयोग से बाढ़ आ जाती, सब बह जाता है, सूखा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये सचैतन्य दयालु कैसे बरसाता है? और बांधे हैं मन में, बस वही रटे जा रहे हैं। ज़्यादातर इंद्र को कहते हैं, इंद्र बरसाता, इंद्र की कृपा हुई, पानी बरसा। तो ये वैदिक संस्कार है, वेदों में इंद्र को बरसाने वाला कहा गया है, और इंद्र वहाँ प्रेरक वायु है। इंद्र प्राकृतिक देवता है वेद में, लेकिन उसका काव्य में इतना व्यक्तिकरण हुआ है कि मालूम होता है वो मनुष्य है। और समस्त प्राकृतिक शक्तियों का वेदों में व्यक्तिकरण किया गया है। इंद्र शरस्त्राण पहनता है, जैसे आजकल मोटरसाइकिल चलाने वाले पहनते हैं टोप, वैसे वो पहनता है शरस्त्राण। इस प्रकार धनुष बाण लेता है, इस प्रकार ऐसा का तो मालूम तो मनुष्य है, लेकिन ये काव्य है। इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति से वर्षा होती है, तो इंद्र बरसाता है ठीक है, लेकिन व्यक्तिकरण होने से भ्रम होता है कोई देवता है चेतन। पानी जड़ प्रकृति के नियमों से बरसता है, भूचाल जड़ प्रकृति के नियमों से आता है, कोई देवता नहीं करता है। शेष जी अपने फण पर रखे हैं पृथ्वी को, और एक फण जब दुखने लगता है तब दूसरे पर बदलते हैं तो भूचाल आ जाता है। पाताल में परियां जब जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाता है। ये पुराणों की बातें हैं, लंबी चौड़ी लाल बुझक्कड़ी बातें। हाथी के पैर कीचड़ में पड़े थे, हाथी निकल गया था, तो गांव वाले लाल बुझक्कड़ को बुलाए। लाल बुझक्कड़ थे गांव में, वे अटकलों बात खूब करते थे, तो कहे देखो लाल बुझक्कड़, ये किसके पैर हैं? आदमी तो ऐसा नहीं होता इतना बड़ा बड़ा पैर हो। तो
लाल बुझक्कड़ ने कहा, लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझे कोई, पैर में जाता बांध के चूहक कूदा होए। ये कोई चूहा पैर में जाता बांध करके कूदा है, तब ये चिन्ह पड़ गया। लाल बुझक्कड़ समझ गए और कोई नहीं समझा। तो लाल बुझक्कड़, ये लाल बुझक्कड़ ही बात है। परियां नाचती हैं पाताल में, तब भूचाल आ जाता है। शेष जी फण बदलते हैं पृथ्वी, कोई एक फण से दूसरे पर करते तो भूचाल आ जाता है। नदिया बैल एक सिंह से दूसरे सिंह पर करता है पृथ्वी को तो भूचाल आ जाता है। ये सब लाल बुझक्कड़ी बकवास। भूचाल के अपने कारण है। भूचाल वाले भी बहुत निर्णय नहीं कर पाते हैं जो उसके विशेषज्ञ हैं, लेकिन मोटा मोटी तो समझा ही जा सकता है। पृथ्वी के अंदर में आग जगह जगह होती दहकती हुई, इसी से लावा फूटता है, और पानी के स्रोत सर्वत्र है ही हैं, और ऐसी ऐसी धाराएं नदी जैसी अंदर में, एक जगह आग दहकती हुई बहुत विशाल क्षेत्र में है, और पास में पानी की धारा, बीच में मिट्टी की दीवार मोटी है, लेकिन कटते कटते जिस क्षण कट जाएगी उस क्षण क्या दशा होगी। अरबों टन पानी सेकंडों में आग में पहुंचेगा तो भाप बनेगा तो डगमगाएगा। इसी ढंग से और कारण हो सकते हैं, उसके भूगर्भ विद्या वाले विशेष जाने, लेकिन है वो प्राकृतिक जड़ की क्रियाओं से भूचाल आता है। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण कोई राव नहीं ग्रसता। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है कि राहु द्वारा ग्रसित न होने पर भी मूढ़ जन कहते हैं सूरज को राहु ग्रस लिया। तो जो आदिदैविक ईश्वर है, आदिदैविक क्षेत्र है, वो मननी है। आदिदैविक ईश्वर इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों में गति उत्पन्न करने वाला नियम रित है, और वही उसका ईश्वर है जो जड़ है। वो मननी है, मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। जिसके मनन चिंतन से निर्भ्रांत हो जाओ, भ्रम कट जाए। कल ओहाई कोर्ट वाले शुक्ल जी आए थे तो मेरे पास बैठे, अब खूब रम रहे इस विचार में। तो कहे महाराज, बहुत भयभीत था जब पूजा करता था और कोई नियम का आचमन भूल जाता था, तब जब ख्याल आए तो बड़ा पश्चाताप हो, देवता नाखुश हो जाएगा। तो उसका मंत्र पढ़ता था। आचमन का मतलब है पानी लेना मुंह में, तो एक चम्मच छोटा सा होता है, पानी ले करके मुख में डाल लिया जाता है, शुद्ध हो गया। तब दूसरे देवता का जप किया, और उस देवता का जप जब खत्म हो गया तब फिर आचमन कर लिया तो मुँह शुद्ध हो गया, तो दूसरे देवता किया, और बड़ा बड़ा प्रपंच है। तो महाराज, कहीं भूल जाऊँ तो भयभीत हो जाऊँ, पदे पदे भयभीत था। आपकी पुस्तक जब से पढ़ी निर्भ्रांत हो गया, मन हल्का हो गया। अब तो बस यही रात दिन लगता है कि सदाचार से रहे, मन शांत रखे, सहे, शीलवान रहे, संयम से रहे। बस हर क्षण पूजा है। मेरा संकट कट गया, भय कट गया, चिंता कट गई, खूब मगन है। कहे पत्नी, तू ऐसे कर्मकांड में है, हम कहे उसको नहीं समझा पाओगे। कितनी देवियां हैं वे आगे हैं, पुरुष नहीं समझ पा रहा है। तो उसमें स्त्री पुरुष का मतलब नहीं, जो समझ ले, जो पढ़ेगा गुनेगा निर्णय वचन, ध्यान देगा वो समझेगा, नहीं तो ऐसे बहते रहेंगे। अनादकाल की भावधारा कल्पनाओं में है, उसी में डूबते उतराते रहेंगे।
तो आदि भौतिक क्षेत्र का ईश्वर रित है, नियम है उसका, जड़ प्रकृति का, वो मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य, अध्ययन मनन द्वारा ठीक से समझो, निर्भ्रांत हो जाओ, प्रकृति के नियमों को समझ लो तो भूत का खत्म डर, प्रेत का डर कुछ नहीं, टो नहीं कुछ नहीं, जादू मंत्र कुछ नहीं, झाड़ फूक कुछ नहीं, बिच्छू सांप काटे छेदे तुरंत दवाई कराओ, झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है, वायव्य शक्ति कोई हमारे ऊपर चढ़ बैठेगी कुछ नहीं, बिल्कुल निर्भ्रांत। आदि भौतिक क्षेत्र का ईश्वर, प्राणी समाज का, ये प्राणी समाज है, ये पूजनीय है, आदरणीय है, सहस शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है। उस पुरुष के हजारों सिर ग्रीवा हाथ पैर इत्यादि हैं। सहस शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, स वह भूमिम भूमंडल पर, सभूमिम वृत्त तो वृत्त घेरे हुए है चारों तरफ, पूरी पृथ्वी पर वो घेरे हुए है, लेकिन अति तिष्ठति उससे ऊपर उठ करके, दस अंगुलम दस अंगुल ऊपर उठ करके स्थित है, ये रहस्यात्मक वचन, लेकिन समझने वाले के लिए कोई रहस्य नहीं। पूरे भूमंडल पर प्राणी हैं, हजारों हाथ पर श्रीग्रीवा वाला कौन है, विराट पुरुष, ये समाज। साणाचार्य ने यही भाष्य किया है, जो आज से 700 वर्ष पूर्व वेदों के प्रकांड पंडित हुए हैं, ये दक्षिणी भारत के पंडित थे और ये राजा के मंत्री थे, इन्होंने अनेक युद्ध भी किया और बड़ा बड़ा राजकीय काम किया, लेकिन ऐसा अद्भुत पुरुष था कि अथर्ववेद और ऋग्वेद दोनों का सुंदर भाष्य उनका उपलब्ध है। ऋग्वेद तो खूब विस्तार पूर्वक, अथर्ववेद में भी जहाँ विस्तार की जरूरत पड़ी था उन्होंने किया, और कहीं कहीं तो उन्होंने हर सूक्त पर एक प्रस्तावना लिख दी, सब संस्कृत में उन्होंने लिखा है, प्रस्तावना लिख दी और मंत्र का पदच्छेद कर दिया, बस छोड़ दिया, उनके समझ में था कि ये सरल है, कहीं कहीं सरल है भी, तो इस प्रकार उनका भाष्य मिलता है। साणाचार्य ने यही अर्थ किया है कि प्राणियों का समूह विराट पुरुष है, एक एक प्राणी उसके हाथ पैर हैं, इसलिए प्राणियों की सामूहिकता जो समूह है वही विराट पुरुष परमात्मा है। ये विराट पुरुष पूजनीय है, आदरणीय है, सत्कार करने योग्य, सचैतन्य है। ये ऋग्वेद का जो विराट पुरुष है ये पंथाई नहीं है, ये वैज्ञानिक है, इसमें न हिंदू न मुसलमान न कृष्ण न राम न अमुक न ढमुक कुछ नहीं, पूरे प्राणियों का समूह विराट पुरुष परमात्मा है। गीता में जो विराट पुरुष है वो सांप्रदायिक है, कृष्ण का उपासक था और कृष्ण में विराट पुरुष दिखाया है। गोस्वामी जी ने मानस में विराट पुरुष राम में दिखाया है, ये सांप्रदायिक काल्पनिक गढ़ा हुआ है और तथ्यहीन है। श्री कृष्ण में विराट पुरुष क्या होगा, श्री राम में विराट पुरुष क्या होगा, श्री राम श्री कृष्ण महान पुरुष हैं, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। विराट पुरुष तो प्राणियों की सामूहिकता है और इसको समझने के लिए वेद की तरफ ही चलना पड़ेगा। आश्चर्य होता है कि वेद कितना पुराकाल में बना है, लेकिन बहुत बातें उसमें इतनी तर्कशील हैं, क्या पूछना,
और बातें जो प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके उपासना है वो भी बड़ा प्रांजल है। जितना पुराणों में चमत्कार कहा गया है वैदिक ऋषि से चमत्कारी नहीं थे। और पहली बात तो यह है कि वैदिक ऋषि निश्चल थे, छल कपट कहीं भी नहीं, जैसा समझे वैसा कहे। तो विराट पुरुष ये प्राणियों का समूह है, ये परमात्मा है, ये पूजने योग्य है, इसका सत्कार करो। पूजना क्या है? सत्कार। किसी प्राणी को कष्ट न दो, सबके प्रति हित चिंतन, हित कामना, हित भावना, हित क्रिया। और तीसरा अंतिम आध्यात्मिक परमात्मा जो आत्मा है, स्वयं स्वरूप, ये उपासनी है। निरंतर मनन योग, ध्यान योग, चिंतन योग, जिसमें लीनता की जरूरत है। प्रकृति के नियमों में लीनता की जरूरत नहीं, उसको समझ लो बस। और समझ करके निर्भ्रांत हो जाओ जगत की क्रियाओं। अगर उसको समझ लोगे तो जगत की क्रियाओं में देवता नहीं खोजोगे। ये प्राकृतिक शक्तियां स्वयं देवता हैं, लेकिन ये समझ लो अचेतन है। हाथ जोड़ करके विनय करने की जरूरत नहीं है। हवा जोर से चलती हो और नुकसान होता हो, रवि के फसल के फूल झड़ते हो, आप विनय करो, हे पवन देवता रुक जाओ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हवा जड़ है। जोर से बाढ़ आ गई, भागो जान बचाओ। वरुण देवता की उपासना में न लगो, नहीं बह जाओगे। आग जोर से लगी तो वहाँ से हट जाओ, पानी डालो उसमें, धूल डालो। प्रार्थना करने से आग नहीं बुझेगी, वो जड़ है। ये सब विवेक होना चाहिए। तो आध्यात्मिक परमात्मा आत्मा है, स्वयं स्वरूप है, वो उपासनी है, उसी की उपासना करना चाहिए। आत्मा ही की उपासना के विषय में उपनिषदों का चिंतन है। पूर्व एकादश द्वार में जस्यावक्र चेतसा अनुष्ठायन सोचते विमुक्तश्च विमुच्यते। पूर्व एकादश द्वारम अजह अवक्र चेतसाह, ग्यारह दरवाजों वाले पूर्व में एक अजन्मा अवक्र यानी सरल चेतसाह चैतन्य निवास करता है। ये शरीर ग्यारह दरवाजों का नगर है। दो आँख, दो नाक, दो कान, ये छः। मुख सात, टट्टी और पेशाब की जगह ये नौ, नाभि दस, और ब्रह्मरंध्र में एक छिद्रवाना है, ये ग्यारह। ग्यारह दरवाजों वाला ये शरीर पुर है। इसमें एक अज जो कभी जन्मा नहीं है, नित्य है, अवक्र सरल है, शुद्ध है, चेतसा चैतन्य है, वो निवास करता है। अनुष्ठायन सोचति, जो इसका अनुष्ठान कर लेता है, इस अजन्मा सरल शुद्ध चेतन की उपासना में लग जाता है, फिर न सोचति, वो चिंता नहीं करता है। देह बूढ़ी होती है, मैं तो बूढ़ा नहीं होता। देह दुर्बल होती है, मैं दुर्बल नहीं होता। देह क्षणशील है, मैं तो अविनाशी हूँ। देह के नाम रूप है, उसको गाली पड़ी, मुझे तो गाली नहीं पड़ी। मुझे कोई गाली दिया तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, मुझे में जोड़ लेता हूँ, अभिलाष को गाली दिया। मुझे कोई गाली दे नहीं सकता है, अभिलाष एक काल्पनिक नाम है जो इस मिट्टी के पिंड का है। मैं तो चेतन हूँ, मुझे तो गाली नहीं पड़ सकती। शरीर सड़ने वाली चीज़ है,
मैं तो अमर हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ। इस पर गहरा चिंतन करते 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 मन का पर्दा फटता है, देहाभिमान बहुत जबरदस्त है, देहाभिमान के परत हैं। पहली बात तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं लोग, देहाभिमान क्या है। कल मैंने कहा था पूरा मर जाने पर अमृतत्व होता है। तो एक साधक मेरे पास शाम को गया, यहाँ भी सबम बैठा है। मैंने कहा मर रहा है, जवान है बिल्कुल, कहे समझ में नहीं आता। मैंने कहा समझना सरल थोड़े है, समझते लो लागत लागत लागे, भो भागत भागत भागे। ये देहातियों की कहावत वेद और गुरुवचन से कम नहीं है, लव लागत लागत लागे, भव भागत भागत भागे। लव लगन लगते लगते अध्यात्म में लगती है, और भव भव नाम होना, भव नाम प्रपंच विकार, ये भागते भागते भागता है। एक लागे किसी का मोह नहीं मिटता, धीरे धीरे मिटता है। साधनम लगा रहे तो, ना लगा रहेगा तो नहीं भी मिटेगा, ज्ञान रहेगा, प्रवचन करेगा, नहीं मिटेगा, लेख लिखेगा। महापंडित राहुल सांग कृत्यायन 33 भाषाओं का ज्ञाता, करीब 150 पुस्तकों का लेखक, भारत भ्रमण करने वाला, बिलबिला के मरा है। शरीर में रोग लग गया कोई बात नहीं, संतों को भी शरीर में रोग लग जाता अपराध प्रसाद, वो अलग है। मन से बिलबिला के मरा हाय हाय करके, क्योंकि ज्ञान तो उसने दुनिया को बहुत दिया, अपने पर आचरण नहीं किया। वैसे वो सरल हृदय के थे, उदार थे, और उनका व्यक्तित्व महान था। वे अपने में बहुत ऊंचे थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य थे। अच्छे अच्छे विद्वान सदाचारी हैं, लेकिन अंतिम काम नहीं करते तो दुख नहीं मिटता। मन का दुख खत्म हो जाना ये ज्ञान का फल है। जिसका मन दुखी नहीं होता है, हरदम आनंद कंद, तो मरने की दशा में आएगी जब मन मर जाए, मन एकदम मर जाए, सारा अहंकार मर जाए, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अपमान कर दिया, निरादर कर दिया, कट कह दिया, हानि हो गई चीज़ों की, लाभ हो गया, प्रिय लोग नहीं रह गए, अप्रिय का संयोग कहीं हो गया, सभी स्थितियों में वो समता से रहेगा। ज्ञान का परिपक्व अवसर है समता की प्राप्ति। जब ज्ञान का परिपक्व अवसर आता है, यानी ज्ञान की परिपक्वता जीवन में हो जाती है, तो समता की दशा आ जाती है। निर्द्वंद स्थित ये जीवन का फल है। इस कूड़ा कचरा शरीर में रह करके इस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता वो धन्य हो जाता है। ये अवस्था अभेद किला है। दुश्मन हमें दौड़ाए, हम भागे और अपने किला में घुस गए, फाटक बंद कर लिए, तब निर्भय हो गए, क्योंकि किला में अनेक गुंजाइश नहीं। किला जब था तो एटम बम नहीं था, बंदूक शुरू हो गया हो गई थी, लेकिन बंदूक से भी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। किला में बंदूक बहुत काम नहीं कर सकती, बाहर से तीर तलवार कुछ नहीं काम कर सकते। अभेद्य किला विवेक की दृढ़ता है।
ध्यान में एकाग्रता की जरूरत है। और संकल्प शून्यता समय समय से बहुत बढ़िया है। ऐसी अवस्था में पहुंच जाओ संकल्प एकदम शांत हो जाए, सिमट जाओ अपने में। लेकिन जो सर्वव्यापक भजन है वो तो यह है कि उठते बैठते चलते फिरते निर्भय, नास्मि नामे नाहम। ये कपिल का महासूत्र, ये निर्विकल्प अवस्था नहीं है, सब विकल्प है। ये बोध की बात है, नास्मि नामे नाहम। मैं क्रियावान नहीं हूँ, मेरा कर्तृत्व नहीं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है। इस प्रकार प्रकृति के विकारों से अपने आप को अलग शुद्ध बुद्ध जो स्थित है उसकी दृढ़ता ये बनी रहे। जब शरीर छूटने लगेगा तो कोई ऐसी बात थोड़ी कि वो संकल्प शून्य अवस्था ही आएगी, समाधि लगेगी। जब शरीर छूट जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन शरीर छूटने के पूर्व ये तो पक्का नहीं है कि हम बिल्कुल संकल्प शून्य हो जाएंगे तब शरीर छोड़ेंगे। लेकिन अगर दृढ़ता है तो नहीं संकल्प शून्य हो, कोई हर्ज नहीं, मेरा कुछ छूट नहीं रहा है। क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं तो छूटेगा क्या, नंगा नाचे फाटे काओ। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, नंगा आदमी नाचे तो क्या फटेगा, कुछ है ही नहीं है, कपड़े नहीं है, नंगा नाच रहा है। जब कुछ मेरा है ही नहीं तो छूटेगा क्या, जो छूटता है वो मेरा नहीं है। ये पक्की दृढ़ता, अनि ऊपर का खेल, आना हो सो आइए, अनि ऊपर का खेल है ये। भाला के ऊपर चलना है, तलवार की धार पर चलना है। ऐसा क्यों कहा गया, इतना क्यों डरा दिया गया? डराया नहीं गया है, सावधान किया गया है। ये जो मोह है विषयों का महारोग है, इस मोह को छोड़ना, तलवार की धार पर चलना है। क्योंकि मन मोह नहीं छोड़ना चाहता है, भोगों को नहीं छोड़ना चाहता है, ममता बनाने की आदत को नहीं छोड़ना चाहता है, और ममता में रात दिन जलता है। जिसमें ममता बनाओ वो चीज़ टिकने वाली नहीं है। स्त्री और पुरुष के शरीर बूढ़े होंगे, सौंदर्य नष्ट होगा, भावना बदलेगी, ललक बदलेगी, पारस्परिक आकर्षण घटेगा, घृणा भी आएगी, द्वेष भी आएगा, ये प्रपंच आएगा, कौन रोक सकता है। सब दिन होत न एक समाना, परिवर्तन संसार का स्वभाव है, कोई इसको बदल सकता है? परिवर्तन का परिवर्तन असंभव है, परिवर्तन अबाध है, गति से चल रहा है और चलता रहेगा। और इन्हीं जायमान और विनाशशील वस्तुओं में मेरी ममता होती है तो दुख की कोई सीमा है? ओखरिम घान पर अप हर वो कौन गिनती, ओखली में जब घान पड़ता है धान और मूसल से कूटते हैं तो गिनती करके कूटते हैं, तो घप 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 चलते रहता है। चिवड़ा की कुटाई मैंने देखी है, मशीनों से चिवड़ा कूटने की बात तो उस समय कहीं नगरों में होगी बात, देहात में चिवड़ा कुटाई, उधर ऋतु आने पर कुवार से लेकर चिवड़ा दही खाने का रस्म चलने लगता था। तो धान भिगाया जाता था और उसको गरमाया जाता था, उबाला जाता था एक स्तर तक, फिर उसको हल्का सुखाया जाता था, फिर उसको सेंका जाता था और सेक सेक करके फिर ओखली में डाला जाता था। और दो देवियाँ मूसल ले करके कूटती थी और खूब घपाघप चलता था और वो चिवड़ा बनता था।
और चीज़ें भी कूटी जाती, धान इत्यादि भी साधारण भी। तो ओखली में जब घान पड़ा तो पहरुआ मूसल की गिनती नहीं रहती, देह धरे तो दुख की गिनती नहीं है, समझ लो, भूलो मत, ये देह दुख का घर है। पता नहीं कितना पहरुआ कितना मूसल आपके ऊपर पड़ने हैं, लेकिन अगर मन ममताहीन आसक्तिहीन हो जाए तो कोई मूसल नहीं। फिर तो शरीर पर जो प्रारब्ध भोग है उसको सहज विवेकवान मुस्कुराते हुए भोग लेता है। अब कुछ पीड़ा ही नहीं रह गई, क्या छूटेगा, कौन छूटेगा, कौन मेरा है जो छूट जाएगा, और क्या मेरी चीज़ है जो छूट जाएगी, कुछ मेरा है ही नहीं, छूटना रहा ही नहीं। ये शरीर जो मेरे चारों तरफ घिरा हुआ है, ये क्षणशील मिट्टी का पिंड गल रहा है, ये भी मेरा नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। इस भावाकार वृत्त में जो जितना रहेगा उतना निर्भय होगा, और इसमें पूर्ण रूप से जब ये दशा आ गई चित्त की, फिर क्लेश रहित परमानंद, यही सच्चिदानंद घन की स्थिति है। घन नाम ठसा ठस आनंद, महिमा के लिए घन कहा गया है, सत्चित आनंद, अवानंद घन, ठोस आनंद, अविचल आनंद, जिसमें दुख का थोड़ा भी प्रवेश नहीं। तो ये अभ्यास पर निर्भर है, इसको समझ पाना, पहले समझ है, ये विषयाध्यास इतना प्रबल है, समझना ही मुश्किल है। ये विश्वास करना मैं देह नहीं हूँ आत्मा हूँ, और इस विश्वास पर टिकना, आप कहेंगे आत्मा तो है ही, विश्वास क्या, सत पर भी विश्वास न करे तो फल नहीं होता है। आत्म तत्व का बोध दुर्विज्ञ इसलिए है क्योंकि वो स्व ही है, पर का ज्ञान हो जाता स्व का नहीं। मेरी आँखें बादल चांद सूरज सब देखती हैं, लेकिन आँखों को आँखें नहीं देखती, आँख में लगे हुए कज्जल को नहीं देखती। निकट की वस्तु दुर्विज्ञ होती है, जो निकट वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती। अब आत्मा निकट नहीं है, स्वयं है, स्वयं को देखना और मुश्किल, लेकिन बोध की दृष्टि सही हो तो इससे सहज और कुछ नहीं। मैं ही तो हूँ, मैं सबको देखता हूँ, सबको जानता हूँ, सब में उलझता हूँ, जिसको देखूँ जानूँ उसमें न उलझूँ, बस अपने आप मगन। अब अपने आप को क्या देखना है, मैं तो सबको देख ही रहा हूँ। कोई कहे मैं अपनी आँखों को निकाल कर अपने हाथ पर रख कर देखना चाहता हूँ तो भोलापन है। आँखें हैं, दुनिया को देख रहा हूँ, आँखें हैं, देख रहा हूँ। पूरा जीवन बीत जाता है, अपनी आँखों को कोई देख नहीं पाता है, लेकिन किसी को कह दो कि तुमको आँखें नहीं है तो नाखुश हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष है, दुनिया को देख रहा आँखों से तो देख रहा है, तो हर चीज़ आँख से देखी जाती है। क्या गंध को हम आँख से देख सकते हैं, क्या रस को आँख से देख सकते हैं, कोई कहे सब्जी में देखो नमक कैसा है तो आँख से देख के आप बता सकते हैं, वहाँ देखने का अर्थ है जीभ पर रखो, जीभ से उसको देखा जा सकता है। गंध को नाक से देखा जा सकता है यानी जाना जा सकता है, ठंडी गर्मी को चाम से देखा जा सकता है, शब्दों को कान से देखा जा सकता है, केवल रूप को आँख से देखा जा सकता है।
तो आत्मा को कोई आँख से देखना खट करे, कितना भोलापन है। जब पांच विषयों में रूप को छोड़ करके अन्य चार ही आँख से नहीं दिखते, शब्द गंध स्पर्श रस, ये चारों आँख से नहीं दिखते, तो आत्मा कैसे आँख से दिखेगा? देखने वाला तो मैं ही हूँ। देखने वाले को देखने का अर्थ है कि मैं सबको देखता हूँ, मैं सबका दृष्टा हूँ, और सब में उलझ उलझ करके दुख पाता हूँ। अब असली देखना यही है कि देखना बंद करो, चश्मा बंद हो, गोश बंद हो, लब्य बंद, गर्नबीनी सर्रेयक बर्मन बखन, चश्मा बंद हो आँखें बंद कर लो, गोश बंद हो कानों को बंद कर लो, लब विबंद होठों को बंद कर लो, गर्नबीनी सर्रेयक इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, बर्मन बखन मेरा मजाक उड़ाना, देखना सुनना जानना बंद कर दो, अपने आप रह जाओ। इतना उज्जवल, इतना साफ आत्मा तो स्वयं प्रत्यक्ष है, जगत तो पर प्रत्यक्ष है। ये इतना बड़ा भवन है, इसको कोई जानने वाला ना हो बेकार है। ये भवन अपने को नहीं जान सकता है, दूसरे को भी नहीं जान सकता है। ये चांद सूरज ना अपने को जानते हैं ना दूसरे को जानते हैं। आप अपने को जानते हैं, दूसरे को जानते हैं। आप ज्ञाता हैं, बोधा हैं, साक्षी हैं। अपने को जाने, आप स्वयं प्रत्यक्ष हैं और जड़ पर प्रत्यक्ष है, यानी दूसरे के सामने वो प्रत्यक्ष होता है। सूरज किसके सामने प्रत्यक्ष होता है? मनुष्य के सामने, प्राणियों के सामने। कोई प्राणी न रहे, सूरज उगता रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष, मैं स्वयं हूँ। तो आत्मा को ठीक से समझो और आत्मा में लौटो, अपने में लौटो। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, ये कबीर देव की पंक्ति है। आप पिछाने आपे आप, अपने आप को अपने आप में पहचानो, फिर रोग नहीं व्यापेगा, तीनों ताप नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा। इतना सरल रास्ता है ये, सुगम सुख का क्या पूछना। बाकी तो दुख का रास्ता है, भोग दुख का रास्ता है, अहंता ममता दुख का रास्ता है, पूरी परतंत्रता है भोगों में। और फिर थोड़े दिन में भोग भोगने लायक रह भी नहीं जाओगे, सब गल गुल जाएगा, इंद्रियां सब खराब हो जाएंगी। बहुत बहुत धनी लोग क्या करें, खा नहीं सकते। बहुत पुरानी घटना है, घटना क्या है, एक स्मृति है। एक सेठ के यहाँ रहा, भोजन तैयार हुआ, मैंने कहा सेठ जी चलिए भोजन करने, तो उन्होंने हमारी से शीशी निकाली और गले में कुछ दवाई डाली, डकारे के महाराज खट्टी डकार आती, भूखे नहीं लगती, अब खाने को उनको क्या आनंद आएगा, भूख ही नहीं लगती। धन है, उम्र थोड़ी बड़ी थी, लेकिन ऐसी उम्र नहीं बढ़ती भूख न लगे, बुढ़ापन में भी भूख लगता है लगती है, लेकिन रोग घेर लिया, बैठे बैठे आलस प्रमाद, ऐसे भी रोग आ जाता है, संयम में भी आ जाता है, शरीर तो है। तो अंत में तो चाहे सेठ का शरीर हो, साधु का शरीर हो, सामान्य का शरीर हो, किसी का हो, ये गलने वाला है, घुलने वाला है। भोग में हम स्वतंत्र नहीं हैं, भोग परतंत्र है, और भोग का फल परतंत्रता है। एक राजा ने एक संत को बुलाया, संत नौजवान सुंदर थे,
राजा उनके पीछे पीछे फुलवारी में चलने लगा। कहा भगवान हमें पुत्र नहीं, और ऐसा वो भाव प्रकट किए कि वो महात्मा को रखना चाहते थे अपने यहाँ, और उनका मन था कहीं उन्हीं से उनकी रानी को बच्चा हो जाए तो कितना अच्छा। तो महात्मा जी जब भाव समझे तो उलट करके डांटे, कहे तुम आग जला करके बिना यत्न के मैं जलूं, मुझे यत्न न करना पड़े, लकड़ी तुम इकट्ठा कर दो आग लगा दो और मैं कूद के जलूं, ये मेरी बुद्धिमानी होगी? बिना यत्न के मिले मैं कूद, इसी तुम्हारा आत्मा चले उसके तो बिना के ही फायदा होगा, मन खराब होगा, इंद्रियां वासना वृद्धि होगी, तृष्णा बढ़ेगी, फिर खींचेगा मन गंदगी में और भाव व्याधि पुष्ट होगी, फायदा क्या होगा? बारंबार उत्तेजना होगी, बारंबार मन बहिर्मुख होगा। भोग की वस्तुएं बिना यत्न के मेरे पास कोई रख दे, ऐसे भोगों को भोगूं जो मन के लिए है, शरीर के लिए नहीं, तो दुखदायी होगा। शरीर के लिए है, भूख लगने पर थोड़ा भोजन, कुछ कपड़े, आवास, ये तो ठीक है, इसको भी अनासक्त पूर्वक लेने की जरूरत है। खाने पीने की चीज़ें भी अगर अविवेक पूर्वक ग्रहण करेंगे तो ये भी बंधन है। सूक्ष्म अहंकार संबंधी खान पान व्यवहारों बंधी, सदुर कहते हैं कि सूक्ष्म अहंकार उसमें है तो खान पान व्यवहार भी बंधन है। सब तरफ से जो निरर्थक भोग हैं उनको एकदम त्यागना, और जो देह गुजर के लिए हैं उनका अनासक्त होकर के उपयोग करना। चंचरीक चंपक बागा, चंचरीक चंपक बाग में रहते हुए उसके फूल को नहीं छूता, ये कहानी है। इसी प्रकार इस संसार में रहो, बन बन वास न ले, ये बन हमारे साथ रहने वाला नहीं है, और जब तक है भी तब तक इसमें मन लगाने से आनंद नहीं है। मन अपने में लगाओ, आत्मा में लगाओ। जब आत्मा में मन रमने लगता है, अपने आप में लौट आता है, तब पूर्ण तृप्ति पूर्ण आनंद है। चक्की चलती देख के नैनन आया रोए, इस पर एक अंश में विचार हुआ, सर्वांश में नहीं हुआ इस साखी में। आदिदैविक आदिभौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र पर चर्चा हुई। आदिदैविक क्षेत्र प्रकृति का क्षेत्र है, और प्रकृति के नियम आदिदैविक क्षेत्र का ईश्वर है, वो जड़ है, नियम वो मननीय है, विचारणीय है, सोचने योग्य है, जिससे निर्भ्रांत हो सृष्टि के विषय में। और आदि भौतिक क्षेत्र का ईश्वर ये प्राणियों का समूह है, ये पूजनीय है, आदरणीय है, इसकी सेवा करो। और आध्यात्मिक क्षेत्र का ईश्वर आत्मा है, अपने देह में स्वयं आत्मा है, ये उपासनीय है, अपने मन को बाहर से लौटा करके आत्मलीन होने का काम करो। सारे क्लेशों का इसी में अंत है। आज न विश्वास करोगे, समय बिताओगे, अंतिम में रोओगे, अब अवसर चला जाएगा, इसलिए पहले से जग जाओ।